भरी संसद में बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने जिस भद्दी गंदी भाषा का इस्तेमाल बीएसपी के सांसद दानिश अली के लिए किया वो मैं बोल तक नहीं सकती। ऐसी भाषा कि उसे बयां करते हुए खुद दानिश अली के भी आंसू निकल गए। एक सांसद के साथ हुआ ये बर्ताव उनके आंसू राहुल गांधी से देखे नहीं गए और वो फौरन उस सांसद से मिलने पहुंच गए। राहुल ने दानिश अली को गले लगा लिया, उन्हें हिम्मत दी और कहा कि आप अकेले नहीं हैं, पूरा इंडिया आपके साथ खड़ा है। राहुल फिर एक बार भाजपा के नफरती एजेंडे के बीच मोहब्बत का पैगाम लेकर पहुंचे थे। हौसला बुलंद करने के लिए वो यहाँ आए कि अपने आप को अकेला मत समझिए। इस देश के का हर वो व्यक्ति जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखता है वो आपके साथ खड़ा है। नई संसद में पीएम मोदी ने संसद की गरिमा को बनाए रखने की बड़ी बड़ी बातें की थी। कहा था कि आपका बर्ताव, आपकी भाषा ये तय करेगी कि कौन पक्ष में बैठेगा, कौन विपक्ष में बैठेगा। मोदी के इस बयान के एक ही दिन बाद खुद उनके ही सांसद ने लोकतंत्र के मंदिर की गरिमा की धज्जियां उड़ा दी। वो कर दिया जो किसी ने सोचा तक नहीं था, जो इतिहास में पहले कभी नहीं हुआ था। यहाँ जो व्यवहार होगा ये निर्धारित करेगा कि कौन यहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है और कौन वहाँ बैठने के लिए व्यवहार करता है। ओ भड़वे, ए ए उग्रवादी, ए उग्रवादी, बोलने भी तू आगे भी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ, ए उग्रवादी, कठवे, ये मुल्ला आतंकवादी है, बिदुली सर, इसकी बात करते रहना ना कि बाहर देखो इस मुल्ले को। गली मोहल्ले के गुंडों की तरह संसद में धमकाया जा रहा है, गालियां दी जा रही हैं। लेकिन बीजेपी सांसद के इस बर्ताव से शायद कोई आपत्ति नहीं है। भाजपा सांसद रमेश बिधूड़ी भरी संसद में सभी कैमरों के सामने धर्म विशेष का नाम लेकर दानिश अली का अपमान करता रहा, उनके साथ गाली गलौच और अमर्यादित भाषा बोलता रहा। लेकिन मजाल है कि स्पीकर से लेकर साथी सांसदों तक ने एक शब्द कहा हो या उन्हें रोकने की कोशिश की हो। लोकतंत्र के मंदिर में लोकतंत्र पर हमला किया जाता रहा और भाजपा सांसद ठहाके मार मार कर हंसते रहे। यही भाजपा का असली चाल चरित्र और चेहरा है। कल तक जो नफरत की दुकानें सड़कों पर लगती थी, अब भाजपा उसे नए भारत के नए संसद में लगा रही है। जब भरी संसद में कैमरों की निगरानी में एक सांसद के साथ बीजेपी का नेता ऐसा बर्ताव कर सकता है तो जरा सोचिए कि गली मोहल्लों में ये आम लोगों के साथ क्या सलूक करते होंगे। रमेश बिधूड़ी का कहा हर एक शब्द न केवल दानिश अली का अपमान है बल्कि इस देश के संविधान और भारत में रहने वाले करोड़ों भारतीयों का अपमान है। देश हर अपमान को याद रखेगा और ये भी याद रखेगा कि जिस पर तुम जुल्म कर रहे थे उनके साथ चट्टान बनकर राहुल गांधी खड़े थे। लहू में भीगे तमाम मौसम गवाही देंगे कि तुम खड़े थे। वफा के रास्ते का हर मुसाफिर गवाही देगा कि तुम खड़े थे। शहर का सूरज गवाही देगा कि जब अंधेरों की कोख से निकलने वाले ये सोचते थे कि कोई जुगनू बचा नहीं है तब तुम खड़े थे। आने वाली तमाम नस्लें गवाही देंगी कि तुम खड़े थे, तुम खड़े थे।